अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी बहुत ही ब्यूटीफुल वॉल हैंगिंग बनाने का तरीका। तो इसको बनाने के लिए जो मैंने मटेरियल यूज़ किया है, कि मैंने सोफ़ा बनवाया था उसमें से थोड़े से कपड़े बचे थे तो मैंने इसको रख दिया था। यानी इस टाइप का आप कपड़ा लें, जैसे लेदर वगैरह होता है ना, सोफ़े वगैरह में लगते हैं, या कोई लेदर का कपड़ा होता है नीचे की तरफ ऐसा कपड़ा, ऊपर ऐसा लेदर जैसा होता है, तो आप इस टाइप का लें। अगर ये आपके पास नहीं है तो एक आपके पास सलूशन है कि आप जो है ब्लैक सिंपल कपड़ा ले लें, कोई भी कॉटन का या सिंथेटिक, और उसके पीछे आप कैनवास स्टिक कर लें पूरा, तो जो सॉफ्ट वाला थोड़ा कैनवास आता है तो आपका ये कपड़ा रेडी हो जाएगा। तो फ़िलहाल ये मेरे पास था तो मैं इसे बनाऊँगी। और इस वॉल हैंगिंग को बनाने के लिए जो भी मैंने मटेरियल यूज़ किया है वो सारी बची हुई चीज़ें थी घर की, पुरानी या बची हुई चीज़ें, तो आप इसको रीयूज़ कर सकती हैं। जो आपके घर में एक्स्ट्रा कोई ऐसी चीज़ें बची हैं तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी हम लेंथ और वेट मेज़र करेंगे। तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई है 12 इंचेस और इसकी लेंथ मेज़र करेंगे तो लेंथ यहाँ पर है 44.5 इंचेस। आप 45 तक भी ले सकती हैं और या थोड़ा छोटा भी रख सकती हैं। अब इसके साथ यूज़ करूँगी मैं इस तरह की ब्लैक एंड ऑफ वाइट एम्ब्रॉयडरी किया हुआ मोटा कपड़ा, और ये बॉर्डर मैंने मेरी चादर से निकाला था, चादर में लगा हुआ था कॉर्नर पर, तो मैंने उसको निकाल लिया था। तो अब मैं इसको यूज़ करूँगी इसके कॉर्नर पर इस तरह, ऊपर की तरफ से आप इसको ऐसे सेट कर लीजिए। और ये लेस जो मेरे पास मैंने ली थी तकरीबन 4 मीटर थी, तो उस हिसाब से आप इसको लीजिएगा। आप जितनी एक्स्ट्रा लेस है उसको कट कर दीजिए, ऊपर से आपको इसको मिलाना है और नीचे तक इसकी लेंथ तक ले जाना है और इसको कट कर देना है। अब यहाँ पर मैं इसको ग्लू गन से स्टिक कर दूँगी इसके ऊपर, और अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है या आप ग्लू गन से स्टिक नहीं करना चाहते तो इस पर सिलाई भी लगा सकती हैं, टाँके वगैरह भी। तो इसको अच्छे से स्टिक कर लिया है मैंने यहाँ पर। अब इसके दूसरी तरफ भी हमें इसको लगाना है पट्टी को, फिर से हम एक ऊपर की तरफ से इसके अरेंजमेंट करेंगे, थोड़ी सी इसके ऊपर चढ़ा देंगे ताकि हम उस पर या तो सिलाई लगा लें या तो इस पर चिपका दें। तो फिर से नीचे से जितनी एक्स्ट्रा लेसें हैं उसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया है, अब इसको अच्छे से स्टिक कर लेना है, और इसी प्रोसेस से आप इसकी सिलाई भी लगा सकती हैं आराम से। अगर आपकी सिलाई मशीन ऐसी है जिस पे चल सकता है तो इसे सिलाई लगा लीजिए। अब हम इसके दूसरी साइड में भी इसी तरह से बॉर्डर बनाएंगे। इस लेस को ऊपर की तरफ से रख लेना है और नीचे जितनी एक्स्ट्रा लेस होगी उसको कट कर दीजिए। और इस लेस की चौड़ाई मैं बता दूँ, चौड़ाई इसकी 4 इंचेस है और ये टोटल 4 मीटर है भी, तो इसी हिसाब से आप लीजिएगा इसको। तो देखिए अच्छे से ये स्टिक हो गया है। फिर से मैं एक बार और इसको लगाऊँगी, जैसे मैंने ऊपर की तरफ 2 बॉर्डर बनाया है इसका, तो इसे भी ऐसे बना लेंगे हम, अच्छे से सेट कर लेंगे और एक्स्ट्रा जो लेस है कट कर दीजिए। और वही मैं आपको बताऊंगी कि सुई धागे की हेल्प से भी इस पर टाँके लगा के आप बना सकती हैं। अब इसकी और डिज़ाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पे रोप यूज़ किया है, रस्सी जैसे। ये मैंने मेरा कर्टन बनाया था ना, पर्दे जो घर के लगते हैं उसके साइड में लगाते हैं, जो उसमें बचा था तो मैंने इसको रख लिया था। ये तकरीबन 2.5 मीटर है, तो उस हिसाब से आप इसको लीजिएगा, 2 या 2.5 मीटर चाहिए थी। दोनों तरफ हमको इसको लगाना है, तो अब मैं इसको ऐसे इक्वली करके ऐसे इसकी लेंथ जितनी है लेस के साथ बराबर उतनी बराबर करके इसको कट कर लूँगी। तो यहाँ पे कट कर लिया है दोनों, अब इसे भी हमें स्टिक कर लेना है। अब इसको भी मैं ग्लू गन से ही स्टिक कर दूँगी अच्छे से, थोड़ा ज़्यादा ग्लू गन लगा कर, और आप इसको भी टाँक सकती हैं सुई धागे की हेल्प से, तो बहुत आसानी से लग जाता है ये, और पता भी नहीं चलता आप कलर सेम यूज़ करिए धागे का। तो देखिए यहाँ पर हम मैंने इसको ग्लू की हेल्प से अच्छे से स्टिक कर दिया है। उसके हाथों से भी अच्छे से प्रेस कर दीजिए ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए। अब यहाँ पर मैंने एम्ब्रॉयडरी के हुए कपड़े लिए हैं, सर नेट मटेरियल है ये, तो ये मेरे ड्रेस से निकाला था मैंने पुराने कपड़ों से, तो इसको मैं एक्स्ट्रा कपड़ों को कट कर दूँगी जहाँ तक एम्ब्रॉयडरी है, नेट मटेरियल है ये। तो इस टाइप के मैंने कपड़ों से मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल सा वॉज भी बनाया था, तो उसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देख लीजिएगा। तो इसको इस तरह से हमें सेट कर लेना है, 3 स्टेप में इसको लगाऊंगी। अब इसको डिज़ाइन करने से पहले हमें इसे 5 से 6 इंच तक नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ छोड़ देना है, और साइड में 2 से 2.5 इंच तक छोड़ना है, मिड में लगाना है इसको। ऊपर हम फोल्ड करेंगे इसलिए हमें जगह चाहिए होगी। अब ये मैं 3 स्टेप में इसको लगा दी हूँ ऐसे। अब इसको हम स्टिक कर देंगे वही ग्लू गन की हेल्प से, और आप चाहें तो यहाँ पर भी सिलाई कर सकती हैं, इसकी सुई धागों की हेल्प से भी टाँके लगा दें तो इजीली लग जाता है ये। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से स्टिक कर दिया इसको। अब इसके ऊपर डिज़ाइनिंग के लिए मैंने इस तरह का नेट मटेरियल लिया था, ये जो काम वाम के कपड़े होते हैं ना नेट पे, इस तरह के देखिए ऐसे
मोती वोती लगे होते हैं, तो मैंने इस तरह के पैटर्न काट लिए थे और कुछ मोतियाँ भी निकाल लेती हूँ उसमें से, तो इसके ऊपर ऐसे मैं स्टिक कर दूँगी इसको। तो इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं इसके ऊपर आप कुछ भी करके जो आपके पास है। तो यहाँ पर जो मैंने मोतियाँ लंबी लंबी कट कर ली थी उसको मैं इसके ऊपर ऐसे स्टिक कर दूँगी, तो बहुत अच्छा लगता है इसके ऊपर। ये गोल्डन सा रहता है, ब्लैक सा, और ऊपर हल्का सा गोल्डन और पिंक सा शेड आता है, तो इस पर झलक इसकी बहुत अच्छी सी लगती है डिज़ाइन इसकी। तो ऐसे टेढ़ा टेढ़ा भी बना दूँगी मैं ऐसे डिज़ाइन को, थोड़ा सा मोड़ के ऐसे लगा दिया है नीचे की तरफ और एक साइड में ऊपर की तरफ लगा दूँगी ऐसे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको ग्लू गन की हेल्प से लगाया है, आप चाहें तो इसको टांग सकते हैं सुई धागे की हेल्प से, या कोई भी आप ग्लू थोड़ा स्ट्रांग यूज़ करें ताकि ये निकले नहीं। अब इसी तरह मैं इसके ऊपर की तरफ भी इस तरह से लगाऊंगी, फिर ऊपर एक कर दीजिए और एक तरफ नीचे कर दीजिए। जो काम वाम के कपड़े होते हैं, डिज़ाइन एम्ब्रॉयडरी बने होते हैं, कोई सा भी आप ले सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं हो ऐसा ही हो। तो इस तरह से लगा दीजिए ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, तो बहुत अच्छे से ये लग जाता है। तो अब इसको मैंने स्टिक कर लिया है, इसके बाद हम इसके ऊपर की तरफ पाइप लगाएंगे। तो ये मैंने अपने कर्टन लगाए थे, पर्दे लगाए थे, तो उसमें से पाइप बचे थे, प्लास्टिक के होते हैं, इस पर गोल्डन कवर रहता है तो इजी रहता है ये लगाने में भी, ज़्यादा भारी नहीं रहता। तो ये 24 इंच चौड़ा है, तो इसको मैं इसे लगा दूँगी ऊपर की तरफ। आप चाहें तो इसके कपड़े को फोल्ड कर दीजिए और उसके अंदर इसको पिना दीजिए जैसे ऊपर की तरफ, लेकिन मैं यहाँ पर इसको स्टिक करूँगी, मैं सुई धागा नहीं यूज़ करूँगी, इसको इसके ऊपर ही लगा दूँगी। और दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा सा छोड़ दीजिए 4-4 इंच तक पाइप को, और इसको बिल्कुल बीच में पाइप के स्टिक कर लेना हमको ऐसे। तो इसी तरह हम इसके डाउन साइड में भी करेंगे, दोनों साइड में ऐसा रहेगा। ये टाइम लेता है थोड़ा सा स्टिक होने में, तो आराम आराम से इसको आप ऐसे चिपका दीजिए अच्छे से। तो इसी तरह हम इसके डाउन साइड में भी पाइप को एडजस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा दोनों साइड से इतना समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि पाइप को हमें बिल्कुल बीच में रखना है, 4-4 इंच इधर उधर छोड़ देना है, और इसको इस तरह से फोल्ड करके स्टिक कर लेना है। आप चाहें तो इसको सिलाई भी करके मोड़ सकती हैं और उसके अंदर पाइप को लगा सकती हैं। और आपका पाइप कोई ज़रूरी नहीं इतना ही ऐसा ही मोटा हो, आप पतला भी कोई ले सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको ऐसे लगा दिया है, कंप्लीट हो गया है। अब ये चेन ली थी मैंने, ये मैंने पुराने पर्स से निकाली थी, और इसके अंदर मैं ऐसे होल्डर लगाऊंगी एक, देखिए इसी चेन का ही था, उसको मैंने निकाला था। अब ये मैं जो वो पर्दे लगाते हैं ना उसकी रिंग जो होती है उसको यहाँ पर एडजस्ट कर ली हूँ ऐसे, जो चूड़ी जैसा बना होता है ना जिसके अंदर पर्दे लटके रहते हैं वो लिया है मैंने। तो दोनों साइड में इसको लगा दूंगी ताकि ऊपर से हम इसको चेन लगा दें, पाइप के अंदर इसको होल्ड करके लगा देंगे तो बहुत अच्छा लगता है इससे। तो इस तरह से आप चूड़ियाँ वगैरह भी यूज़ कर सकती हैं उसको हैंग करने के लिए, देखिए ऐसे। तो अब इसके साइड से ही चेन निकल ना जाए इसके लिए हम ये पाइप होल्डर यूज़ करेंगे जो पर्दे वगैरह के पाइप में लगा होता है दोनों साइड में। तो मैं इसको यूज़ करूँगी, इस तरह के 4 पीसेस लिए हैं मैंने, ये पुराना मेरे पास था। अगर नहीं है तो ये बाय कर लीजिए, ये बहुत सस्ता मिल जाता है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं रहता, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे लुक इसका, तो आप इसको लगाइएगा ज़रूर। तो इसी तरह मैंने 4 यूज़ किया है, नीचे की साइड में भी और ऊपर की साइड में, इसे काफ़ी रॉयल लुक आता है जब इसको लगा देते हैं हम। तो देखिए इस तरह से ये पूरा रेडी हो गया है और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और मैं इसको अपने हॉल में लगाई थी, लिविंग रूम में, तो जब कोई भी आता था तो बोलता था आपने ये कहाँ से बाय किया है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता था, बिल्कुल रॉयल लुक आता था इसको देखने पे, लगता ही नहीं था कि हाथ से बना हुआ है और ख़राब चीज़ों से, पुरानी चीज़ों से बना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए। यहाँ पर आपको आप बहुत सारी चीज़ों की रेसिपी मिलेगी, जैसे ड्रेस डिजाइनिंग, क्राफ्टिंग, कुकिंग, ये सब मिलेगा। और मैं एक लेडीज़ बिजनेस भी चलाती हूँ जिसमें लेडीज़ कलेक्शन जो भी हमारे पास आता है उसके बारे में भी अपडेट देती रहती हूँ। तो चैनल पर विज़िट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना खूब सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।